वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज दीक्षित सोनी एंड यू आर वाचिंग द इनकम्प्लीट डायरी। सो आज हम हैं माता बगलामुखी टेंपल, जो कि प्राचीन मंदिर है, और ये आप मेरे बैकग्राउंड में व्यू देख सकते हैं। हमें अभी टॉप पे जाना है और तो पूरा दिन हो गया है हमें निकले हुए घर से, और लास्ट में अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे वो टॉप पे मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे ले चलते हैं अभी आपको। तो यहाँ पहुँच से भाई आपको ये ग्राउंड दिखेगा, जो मेन जगह है वो है कोटला। तो बैकग्राउंड में आ रही है आवाज़, उसको करें आप इग्नोर। तो ये कोटला में आप जैसे ही यहाँ पे ब्रिज है, ये ब्रिज को आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस करते ही यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, और पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से इस ग्राउंड से होते हुए आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो अभी हम हैं ग्राउंड में, और यहाँ पे एक और ब्रिज आप देख सकते हैं येलो कलर का। तो अभी हम यहाँ से इस ब्रिज पे चढ़ेंगे और फिर मंदिर के लिए वहाँ से आगे सीढ़ियाँ हैं। तो वैसे जो माता बगलामुखी जी का टेंपल है वो एक रानीताल के पास है, बट ये जो ये वाला मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है, जो सबसे पहला मंदिर है। फिर जो हवन वगैरह होता है वो आपका वो दूसरे मंदिर में होता है। तो वहाँ पे हम गए हुए हैं, बट यहाँ पे हम पहली बार आए हैं। तो ले चलते हैं आपको सीधे मंदिर में, और मंदिर के रास्ते के बारे में भी आपको बताते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है काफ़ी सुंदर दृश्य नीचे की तरफ, तो पानी बह रहा है यहाँ पे। तो इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है भाई, और यहाँ की ये मान्यता है कि कोई भी आपकी मनोकामना है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान माता जी करते हैं। तो बैक अगेन ऑन द कैमरा, तो अभी यहाँ से हम ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपको दिखाता हूँ मैं, चलिए। तो ये हैं हमारे साथ दो छोटे साथी। तो भाई आई थिंक ये ब्रिज जो है वो नया बना है, और ये नीचे आप देख सकते हैं ये खड्ड है, यहाँ पे पानी है, और पहले आई थिंक ये ब्रिज नहीं होता होगा। तो वो पुराना रास्ता आप सामने देख सकते हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ जाते होंगे, बट अभी हम चलेंगे इस रास्ते से। चलो 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 चलो, कुछ नहीं कहते। तो भाई वहाँ से भी है रास्ता, बट हमने पार्किंग उस साइड लगाई है। भाई ये रहा ब्रिज, चलिए ये चलते हैं आपको। तो भाई काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ पे, वो देखिए नीचे, यहाँ पे काफ़ी मंकीज भी हैं, और इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हमारी सुरक्षा के लिए दो साथी मारे जा रहे हैं आगे भाई, वो भगा रहे हैं उनको, बस स्टिल थोड़ा ध्यान रखें। तो भाई अभी चल रहे हैं आगे की तरफ, अभी सामने स्टेज हैं काफ़ी मंदिर की तरफ, तो वहाँ पे अभी हम चढ़ेंगे। नानी क्या करते हो यार? नानी हे हाउ आर यू? तो भाई ये है पुराना रास्ता नीचे की तरफ, यहाँ पहले आई थिंक ब्रिज नहीं होता होगा पहले, तो यहीं से क्रॉस करके आते होंगे, तो ये अभी बंद कर दिया है, तो यहाँ पे ये ब्रिज से आप आ सकते हैं। तो अभी चढ़ेंगे यहाँ से स्टेयर्स। तो ये हमारी नानी जी आके जाते हुए सबसे आगे भाई, नानी देखो पीछे, जय माता दी, माता का
फोटो दिखना चाहिए। नानी बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया को दर्शन हो ना हो, पर मैं जरूर जाऊं, सबको दर्शन है। और ये दो छोटे दोस्त हमारे रखवाली कर रहे हैं बंदर से। तो भाई ये है एक गेट छोटा सा, और ये चल रहे हैं आगे और मैं हूँ पीछे भाई। तो चलो चलो भाई आगे चलो। तो आप, मैं तो नहीं आ पाया इस फ्रेम में पहले, बट ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये छोटा सा गेट है। और आपको भी मैं दिखाता हूँ, सामने फौज, सामने भरी पड़ी है भाई फौज। और भाई ये जो स्टेप है ना भाई, ये दो दो फुट स्टेप लग रहे हैं। तो भाई ये यहाँ पे वृक्ष पीपल का, और वो रही मंदिर की पहली लुक, और ये रही हमारी फौज। पे चल रहा है थोड़ा सा काम, और वो है सामने मंदिर। अंदर की वीडियो तो शायद अलाउड नहीं होगी, तो मैं आपको जितना क्लोज हो सके तो उतना दर्शन करवा दूंगा। बाकी दर्शन करने तो आपको भाई खुद आना पड़ेगा। तो भाई ये मंदिर से जो व्यू है वो ये है, ये आप देख सकते हैं नीचे। आई थिंक ये कोई किला सा होगा किसी टाइम पे, क्योंकि बाउंड्रीज तो वैसे ही लग रही है मुझे। चलते हैं आगे। सो इस साइड भी ऐसे ही है, बाउंड्रीज हैं। एंड ले चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास, और अभी मैं यहाँ पे अंदर देखता हूँ कि वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं। तो अगर नहीं होगी तो भाई आपको आना पड़ेगा। तो मिलता हूँ आपसे। तो हमने दर्शन कर लिए अंदर, वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, पर मैंने फ़ोटो ले लिया है रिक्वेस्ट करके, तो मैं आपको दर्शन करवा दूँगा। फ़ोटो मैं अभी डाल दूँगा यहाँ पे आगे। बट स्टिल अगर आपकी कोई मनोकामना है और कोई जीवन में कोई भी आपके कष्ट और दुख वगैरह है, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पे हवन करवाएँ। तो यहाँ पे भी हवन होता है, और एक बनखंडी में है मंदिर, वहाँ पे भी हवन किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो दृश्य आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, और जो मंदिर है, मैं मंदिर का भी व्यू आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये रहा भाई मंदिर। तो यहाँ ज़रूर आएँ और माथा टेक के जाएँ, और हो सके तो हवन करवा के भी जाएँ। तो अभी निकलते हैं भाई यहाँ से। यहाँ पे दो मंदिर और हैं ऊपर, गणेश जी का मंदिर है और एक और मंदिर है जो कि अभी बंद है, तो वहाँ पे अभी हम नहीं जा रहे। सो गाइस बैक अगेन। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने कभी आना हो और आपको दूसरे मंदिर में भी जाना हो और दर्शन करने हो, तो मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो गाइज़ ये रास्ता है, ये जाता है आगे दो मंदिरों के लिए, और यहाँ पे ये नीचे का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ज़रूर आएँ, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस सीधा घर।
और हमें आई थिंक 4 से 5 घंटे तो घर पहुँचने में लग जाएंगे। तो आज के लिए भाई इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल द इनकम्प्लीट डायरी। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए लाता रहूँ और आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दोबारा अपने नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।